नमस्ते सभी को। मैं राजकुमार, आज अपने चौथा दिन है क्रिस्टल ज्योमेट्री का। इसमें अपने को अध्ययन करना है क्रिस्टल समुदाय। तो हमने पहले दूसरे दिन पढ़ा था ब्रेविस लेटिस, और ब्रेविस लेटिस की 14 व्यवस्थाएं पढ़ी थी। उन 14 व्यवस्थाओं के 4 वर्ग थे, और इसके क्रिस्टल की उन 4 व्यवस्थाओं से अलग भी अपने क्रिस्टल के समुदाय थे। तो समुदाय है तो ये जो क्रिस्टल के समुदाय हैं उनको किस आधार पर बांटा जाता है? इनको एकक कोष्ठिका के आकार के आधार पर बांटा जाता है। तो किसी भी क्रिस्टल की आकृति, क्रिस्टल समुदाय की परिभाषा हो गई, किसी भी क्रिस्टल की आकृति उस क्रिस्टल के त्रिविमीय लैटिस में स्थित एकक कोष्ठिका के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। एकक कोष्ठिका का जो आकार है वो 3 भुजाओं ए बी सी, हमने दूसरे दिन पढ़ा था, 3 भुजाएँ होती है, 3 कोण होता है, तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। एकक कोष्ठिका की आकार जो है वो 3 भुजाओं ए बी सी व 3 कोणों अल्फा बीटा गामा पर निर्भर करता है। ये जो चित्र है, इस चित्र में आपको एकक कोष्ठिका का आकार दिखाया गया है, वही पुराना चित्र है। 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस पर ए भुजा है, वाई एक्सिस पर बी भुजा है, जेड एक्सिस पर सी भुजा है, और 3 कोण अल्फा बीटा गामा है। इन तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के आधार पर क्रिस्टल के 7 समुदाय होते हैं। इन 7 समुदायों में पहला जो समुदाय है वह है घनाकार क्रिस्टल का। घनाकार क्रिस्टल कौन सा होता है? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, पहली भुजा ए बराबर दूसरी भुजा बी बराबर तीसरी भुजा सी। तीनों भुजाएं जो है वो समान माप की रहेगी एवं तीनों कोण भी समान रहेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अर्थात तीनों जो भुजाएं हैं वो परस्पर लंबवत रहेगी, 90 डिग्री के कोण पर रहेगी। तो ऐसा जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल क्या कहलाता है? घनाकार क्रिस्टल कहलाता है। इसमें 3 प्रकार की लैटिस होती है। घनाकार क्रिस्टल में 3 प्रकार की लैटिस होती है, सरल घनाकार लैटिस, फलक केंद्रित लैटिस और अंतः केंद्रित लैटिस। ये हमने ऊपर पहले 4 प्रकार पढ़े थे, उन 4 प्रकारों में से 3 प्रकार में घनाकार क्रिस्टल पाया जाता है। दूसरा है आपका चतुष्कोणीय क्रिस्टल। चतुष्कोणीय क्रिस्टल की कोई 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। 2 भुजाएं बराबर होगी, ए बराबर बी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, जबकि तीनों कोण जो है वो बराबर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, अर्थात तीनों भुजाएं जो है वो परस्पर लंबवत होंगी, अर्थात कोणों के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री रहेगा। इस चतुष्कोणीय क्रिस्टल में 2 प्रकार की लैटिस पाई जाती है, सरल और अंतः केंद्रित। घनाकार में 3 लैटिस थी और चतुष्कोणीय में 2 लैटिस है, सरल और अंतः केंद्रित। तीसरा है आपका समचतुर्भुजी क्रिस्टल। इस क्रिस्टल की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं में कोई समानता नहीं होती, तीनों के माप अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों के कोण जो है वो बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं परस्पर लंबवत होती है, और इस प्रकार के क्रिस्टल में 4 प्रकार के लैटिस होती है, सरल, आधार केंद्रित, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। ये 4 समुदाय हमने दूसरे दिन ब्रेविस लैटिस में पढ़े थे, बिल्कुल वही हैं। तो समचतुर्भुजी क्रिस्टल के अंदर 4 समुदाय होते हैं, सरल, आधार केंद्रित, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित। चौथा जो आपका प्रकार है वही चित्र आपको वापस दिखा दिया है। इधर तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, 3 कोण हैं अल्फा बीटा गामा। चौथा जो है क्रिस्टल का प्रकार एकनता क्रिस्टल, इसके अंदर आपके तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तीनों भुजाओं में समानता नहीं होगी माप में, और 2 कोण बराबर होंगे अल्फा और गामा, जिनका मान होगा 90 डिग्री। तीसरा जो कोण है वो इनके बराबर नहीं होगा। एकनता क्रिस्टल में 2 प्रकार की लैटिस होती है, सरल और आधार केंद्रित। पांचवा जो प्रकार है क्रिस्टल का वह है त्रिनताक्ष क्रिस्टल। त्रिनताक्ष क्रिस्टल में तीनों भुजाएं और तीनों कोण, यानी छाओं के छाओं जो इसके अवयव है उनमें कोई समानता न होगी, न तो भुजाएं आपस में बराबर होगी और न ही कोण आपस में बराबर होगी। इनमें केवल एक प्रकार की लैटिस पाई जाती है और वो लैटिस होती है सरल। नेक्स्ट आपकी है त्रिकोणीय क्रिस्टल। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन कोण जो है वो बराबर तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। पहले जो अपने सरल थी उसमें भुजाएं भी बराबर थी और कोण भी बराबर थे, यहाँ भुजाएं तो बराबर है
कोण आपस में बराबर है, लेकिन वहां कोणों का जो योग था तीनों का 90 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री नहीं है, इनमें भी केवल एक प्रकार की सरल लैटिस होती है। और सातवां जो अंतिम प्रकार है षटकोणीय क्रिस्टल, यह क्रिस्टल होता है ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें आपका अल्फा और इसका मतलब दो भुजाएं तो बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। यहाँ दो कोण जो है वो आपके 90 डिग्री होंगे, तीसरा जो कोण है वो 120 डिग्री का होगा। इसमें भी केवल एक प्रकार की लैटिस होती है, सरल लैटिस। तो इस प्रकार आपके ये जो है वो सात प्रकार हैं क्रिस्टल के समुदाय के। ये सातों प्रकार इंपॉर्टेंट है, इनमें से अपने को जो सरल कणाकार लैटिस है इसके तीन प्रकार अपन कल अपने जो डे 5 आएगा उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।